वही खबर औरैया से है कि एरकटवा थाना क्षेत्र से है, जहां एक गाय को बचाने के चक्कर में महिंद्रा एसयूवी पलट गई। आपको बता दें कि एक समारोह में अपने घर में शामिल होने आई साधना गुप्ता मैनपुरी अपने घर एरकटरा एक समारोह में आई थी। समारोह के बाद वह अपने ससुराल जा रही थी। जैसे ही एरवा कटरा से 2 किलोमीटर दूरी पर चलने के बाद पावर हाउस के पास पहुंची तो एक सामने से आ रही गाय को बचाने के चक्कर में एक सूवी गाड़ी पलट गई, जिसमें गाड़ी सवार 3 लोग, मिस साधना गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साधना की 1 साल की बच्ची को एरकटरा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया है। वहीं मृतका के भाई घनश्याम गुप्ता ने थाने में जाकर तहरीर दी। थानाध्यक्ष राम सहाय पटेल व भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर घटना की जानकारी ली। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया एवं उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सर दीदी है, गाड़ी से जा रही थी फिर ससुराल। क्या क्या नाम है इनका? साधना गुप्ता। कहाँ है ससुराल इनके? पुर्रारमपुरा। क्या एक्सपायर हो गई दीदी? सर एक्सपायर हो गई। किससे जा रही थी, किस गाड़ी से जा रही थी? सर गाड़ी पलट। वहीं फतेहपुर से यह भी खबर आई है कि सेना में भर्ती के अग्निपथ योजना के विरुद्ध कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने सत्याग्रह कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की पुरजोर मांग है कि अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि सेना में भर्ती की इस नई योजना, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी, यह सही नहीं है। इस योजना का पूरे देश के युवा विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की जबरन युवाओं पर थोपने का कार्य किया जा रहा है। युवाओं में गहरा संतोष है व निराश व्याप्त है। युवाओं को न्याय के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर इस योजना को वापस लिए जाने और अभी तक जिस प्रकार से सेना में भर्ती होती रही उसी प्रक्रिया अनुसार भर्ती कराए जाने की पुरजोर मांग की गई है। आज हमारा सत्याग्रह बहुआ ब्लॉक में चालू है। पूरे देश में हर विधानसभाओं में सत्याग्रह आज आज के दिन शुरू किया गया है। जो सेना में जो भर्ती निकाली गई है अग्निपथ योजना, उस योजना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि ये योजना गलत है, ये सही नहीं साबित हो रही है। युवा लोग बेचारे अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सही नहीं है। 4 साल में ना तो वो देश की सेवा कर पाएंगे और ना तो अपना परिवार चला पाएंगे, ये बहुत गलत है। ये योजना को सरकार वापस ले, यही हम मांग कर रहे हैं सरकार से। वही खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट की हार पर सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी कमरे में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को ऐसी कमरों से निकलकर जनता के बीच काम करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों को प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया गया। सरकार के इशारे पर मुस्लिम वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा है, जबकि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की पेंशन नहीं तो पीएम सीएम एमपी की पेंशन भी बंद हो। तारीख पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो जो कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक यादव का गढ़ को दूसरे यादव ने तोड़ा है। नहीं, पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना गढ़ बनाई हुई है।
क्या लगता है इस तरह से तो मिशन 2024 आप लोगों का कितना मुश्किल होगा? देखिए राजनीति में हर चीज संभव है। ये जो आप देख रहे हैं आजमगढ़ की हार, आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा तो जो ये इतनी सरकारी मिशनरी यहाँ लगी थी, ये सरकारी मिशनरी चारों तरफ फैल जाएगी, इसी आजमगढ़ में नहीं रहेगी। जिस तरह की धांधली, जिस तरह की बूथ पर उठ न जाने पड़ने पावे, जिस तरह रोका गया है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और 2024 का रिजल्ट आपको रामपुर आजमगढ़ का अलग फिर दिखने लगेगा, फिर गढ़ में चला जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए अग्निपथ योजना, ये सरकार नौजवानों के साथ धोखा है।